पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर 4300 लोगों को भी आवास नहीं मिल पाया था, जबकि 2014 में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार लगातार तत्कालीन राज्य सरकार से कह रही थी कि गरीबों को आवास दिया जाना चाहिए, अब प्रस्ताव भेजिए, लेकिन उनके पास फुर्सत नहीं थी, क्योंकि उनके लिए अपना परिवार ही पूरा प्रदेश, और उनको इस बात से मतलब नहीं था कि किसी गरीब का कल्याण हो। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। वहां निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन दिए हैं, रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। शासन की हर सुविधा से प्रदेश के अंदर हर नागरिक को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। ये काम 2017 के पहले भी प्रदेश में किए जा सकते थे, लेकिन पहले की सरकारें जनता के प्रति संवेदनशील नहीं थी, उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था, और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था, वह देश तोड़क जिन्ना की जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं, और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जिन्होंने पूरा देश लोह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी, और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। यह तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक ताने बाने को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तब महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उनका यह वक्तव्य इसलिए आया है क्योंकि विभाजन की उनकी प्रवृत्ति हमेशा रही है। वे चाहते ही नहीं थे किसी गरीब को मकान मिले, किसी गरीब को शौचालय मिले, किसी गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन मिले, किसी गरीब को बिजली का कनेक्शन मिले, किसी गरीब को 5 लाख रुपए की सहायता स्वास्थ्य के लिए बीमा कवर मिले। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड के दौरान ये सभी नेता कोरोना के दौरान सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, ये सभी लोग कोरोना के दौरान होम आइसोलेशन में थे, घर से बाहर नहीं निकले थे।
नहीं गए, और जब उनके नेता स्वयं होम आइसोलेशन में थे तो उनके पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ता भी होम आइसोलेशन में पड़े हुए थे। भाइयों बहनों, ये होम आइसोलेशन में पड़े हुए इन राजनीतिक दलों के नेताओं को चुनाव के दौरान भी होम आइसोलेशन में जरूर भेजना, क्योंकि जो आपकी संवेदना के साथ खड़े नहीं हो सकते, आपके सुख में आपके साथ आपको बधाई नहीं दे सकते और आपके दुख के साथ आपके साथ अपनी संवेदना नहीं जोड़ सकते, तो फिर वे इसी प्रकार से गरीब को, वंचित को, दलित को, अति पिछड़े को, समाज के उस हर एक तबके को, वो किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब का क्यों ना हो, उसकी पीड़ा के साथ कभी खड़े नहीं हो सकते। और ये होंगे भी कैसे, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति तो हमेशा गरीबों की संपत्ति को और व्यापारियों की संपत्ति को हड़पने की रही है। इनको पीड़ा इस बात के लिए नहीं होती थी कि किसी गरीब की संपत्ति को कोई माफिया कैसे हड़प रहा है। इनको पीड़ा तब होती है जब प्रदेश सरकार किसी माफिया के द्वारा हड़पी गई जमीन पर बुलडोजर चलाने का कार्य करती है, तब इन नेताओं को बुरा लगता है। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करना प्रारंभ किया। एक तरफ अपराधियों के साथ सख्ती के साथ निपटने का कार्य, प्रदेश में कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति, सुरक्षा सबको, आस्था का सम्मान सबका, लेकिन शासन की योजनाओं का लाभ भी सबको, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं, और शासन की इस व्यवस्था का परिणाम है उत्तर प्रदेश तेजी के साथ हरेक क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुरादाबाद इस मामले में अनेक किस्से मायने रखता है। मुझे याद है सबसी जफर इस्लाम को हम लोगों ने राज्यसभा में भेजा, हुए यहां पर आए, यहां के तमाम एक्सपोर्टर से जब उन्होंने बातचीत की, यहां के प्रशासन ने, यहां के जनप्रतिनिधियों ने जब इसमें रुचि ली, आज परिणाम है मुरादाबाद एक्सपोर्ट का एक हब बना है। यहां का प्राइस आइकन आज देश और दुनिया के अंदर उसकी एक नई पहचान है। लोग आज मुरादाबाद को छोटी छोटी बातों में तनाव होने वाले जनपद के रूप में नहीं, बल्कि अब जनपद मुरादाबाद एक प्रगतिशील जनपद बनने की ओर अग्रसर है, जो विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके हरेक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने की पूरी बड़ी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, हमें विकास को एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत करना होगा, और जनता को भी यह मानना पड़ेगा कि विकास से ही उनके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। ये विभाजन की रेखाएं खींचने वाले लोग आपका कल्याण नहीं कर पाएंगे। अपने परिवार के हितों के लिए सब कुछ करने वाले, प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाने वाले लोग प्रदेश का हित नहीं कर पाएंगे, जनता जनार्दन के का हित नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आज जब मैं यहां पर आया था प्रातःकालीन सत्र में, आपने देखा होगा 72 पुलिस अधिकारियों का सफल प्रशिक्षण के बाद हम लोगों ने उन्हें डिप्टी एसपी के रूप में नियुक्ति अभी दी है, थोड़ी देर पहले उनको नियुक्ति भी प्रदान कर दी गई है। ये 72 पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस में जाकर के अलग अलग स्थानों पर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाने में अपना योगदान देंगे। तो दूसरे कार्यक्रम में मुझे आना पड़ा है दीपावली के ठीक पहले, इतने बड़े पैमाने पर यहां पर आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवाने का एक कार्यक्रम अत्यंत अभिनंदनीय कार्यक्रम है, और मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आप अनुमान कर सकते हैं 43 लाख परिवारों को आवास पहले भी मिल सकता था,
पिछली सरकारों ने नहीं दिया, लेकिन हमें जैसे ही मिला, आखिर ये 43 लाख आवास प्रदेश के अंदर किसी न किसी गरीब को, किसी न किसी वंचित को तो मिले होंगे, ये आवास पहले क्यों नहीं मिले? ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए, सामान्य जनपदों में 1,30,000 रुपए, नक्सल प्रभावित जनपदों में 12,000 रुपए शौचालय के लिए अलग से, और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर राशि भी उस परिवार को उपलब्ध करवाई जाती है। लगभग 1.5 लाख के आसपास ये राशि पड़ जाती है। और इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन लोगों के शहरी क्षेत्र में आवास बन रहे हैं, जो स्वयं अपना आवास बना रहा है, सरकार उसे 2.5 लाख रुपए दे रही है, लेकिन जहां पर एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है, एक आवास बनाने में लगभग 6-6.5 लाख के आसपास का खर्च आता है। जमीन हम लोग उसको उससे अलग कर देते हैं इसकी कीमत को कम करने के लिए, और उसके बाद 4.5 लाख का आवास पड़ रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा विकास प्राधिकरण को कि 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ, और शेष जो 1.5 लाख रुपए है, ये 1.5 लाख रुपए इन्होंने अपनी ओर से अनुदान के रूप में उस लाभार्थी को देकर के उसके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया है, एक अभिनंदनीय पहल है। मेरा प्रयास, हमारा प्रयास होना चाहिए, हमें उन मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए जहां पर लोग आज भी बड़ी दयनीय स्थिति में रहते हैं। वहां पर हम स्कीम लाए, अभी राज्य सरकार ने इसके लिए पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी को एक बार जगह अगर हम लागू करेंगे तो आप देखेंगे कि हर व्यक्ति को अच्छा आवास मिल जाए, शौचालय मिल जाए, रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाए, बिजली का कनेक्शन मिल जाए, 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिल जाए, तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति के तमाम खर्चों की बचत हो जाएगी और वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। एक स्वस्थ व्यक्ति एक स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देगा, और एक स्वस्थ समाज एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देगा। भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना के रूप अगर आगे बढ़ाना है, तो हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के रूप भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। और स्वास्थ्य पर ध्यान किस रूप में दिया गया, आपने कोरोना कालखंड में देखा होगा, भाइयों बहनों सबका टेस्ट फ्री, टेस्ट फ्री, उपचार फ्री, गांव गांव में मेडिसिन किट वितरण की व्यवस्था फ्री, और इसके साथ ही राशन भी फ्री। राशन फ्री के साथ सबको वैक्सीन फ्री में, वैक्सीन उत्तर प्रदेश ने 13 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन अब तक दे दिया है, फ्री में वैक्सीन। प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार, क्योंकि उन्होंने फ्री में राशन भी दिया है और फ्री में वैक्सीन भी दिया है, फ्री में उपचार की व्यवस्था भी। मैं मुरादाबाद तो कोरोना कालखंड के अंदर 2-2 बार आया था, और तब भी हमने यहां की व्यवस्था देखी थी, युद्ध स्तर पर हर जनप्रतिनिधि लगा था, युद्ध स्तर पर प्रशासनिक तंत्र लगा था, हेल्थ वर्कर्स लगे थे, आंगनवाड़ी आशा वर्कर, कोरोना वॉरियर्स, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी, ये सभी लोग अपनी जान की परवाह के बगैर एक एक जनता की जान को बचाने के लिए लगे हुए थे। जब ये भाव आएगा तो हम लोग हर व्यक्ति को स्वस्थ होने की उस कामना के साथ आगे बढ़ सकते हैं जो भारतीय मनीषा ने हजारों वर्ष पहले कामना की थी कि सर्वे संतु निरामया, यानी सबके सुख की कामना के साथ जब यह कामना होती है, सबके स्वस्थ की कामना, निरोगता आरोग्यता को प्राप्त करने की कामना के साथ जब ये कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं, तो कोरोना जैसी महामारी भी आपके उत्साह और आपके उमंग के साथ परास्त होता हुआ दिखाई देता है।
भाइयों बहनों, दीपावली आ रही है और दीपावली के पहले कोरोना जैसी महामारी पूरी तरह समाप्ति की ओर जाना उत्साह की उमंग के साथ परमात्मा और ईश्वर की कृपा आपके साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए आज प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराते हुए मुझे आप सबको बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।